मम्मी उस गिफ्ट से बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी थी और मम्मी चाहती है कि मम्मी आप सभी से भी शेयर करें उस गिफ्ट को। आ जा मम्मी। अभी भी मैंने कोई भी डिमांड की होगी ना तो पापा ने बिना मना किए हुए मुझे मेरी वो डिमांड पूरी किया। हेलो दोस्तों, पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत करती हूँ मैं आरती रावत आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में और अपनी मध्यमेश्वर घाटी में और अपनी मध्यमेश्वर घाटी के प्यारे से गांव भटवाड़ी में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम परफेक्ट हूँ। चलो एक नए दिन की शुरुआत कर लेते हैं, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो काफ़ी टाइम बाद आज आपको मेरे चैनल पर ब्लॉग दिख रहे होंगे। उसका रीज़न ये भी है कि मैंने ब्लॉग तो बनाया था पर ब्लॉग ट्रांसफ़र करते टाइम पर डिलीट हो गया। आप बोलोगे कैसे काम करती है यार ये, पता नहीं क्या होता है इतने बिजी शेड्यूल में ना दिमाग कहाँ क्या चला जाता है कुछ समझ नहीं आता है। ब्लॉग सारे डिलीट हो गए, फिर मुझे बुरा तो बहुत लगा इसलिए मैंने, पर कोई बात नहीं बुरा लगा अब उसी के भरोसे तो रह नहीं सकती, दोबारा ब्लॉग तो कंटिन्यू करना पड़ेगा ही। इसलिए मैंने सोचा पकड़ गोप्रो और स्टार्ट कर अपनी ब्लॉगिंग लाइफ। तो अभी सुबह का टाइम है, रात भर बारिश आ रही थी, कुछ ऐसा मौसम हो रखा है अभी फ़िलहाल। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में मेरे साथ बने रहना, जो कुछ भी होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अभी दोस्तों मेरी तैयारी भी हो चुकी है अपने काम यांगनी की ब्रांच की ओर जाने की, और साथ ही साथ मैंने आजकल आपको गांव का माहौल इतना दिखाया नहीं, तो जो ये मंडुआ है ना कोदा, तो ये पक चुका है, मतलब अब काटने की देरी है। तो कोदा मंडुए की लवाई भी स्टार्ट हो चुकी है हमारे गाँव में। ये पूरी साड़ जो है वो है मंडवे की, तो ये भी लोग काटना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों मैं आ चुकी हूँ घर, और मैं जब भी घर आती हूँ ना मेरे साथ ये और डुगू भी आया था, डुगू गायब हो गया इस वक्त क्योंकि डुगू को पता है नहीं, डुगू पीछे होगा पक्का मिट्टी खा रहा है। रुकना यार, कपड़े कपड़े गंदे करने को बोला, कपड़े गंदे करने को बोला, दे तो दी मैंने तुझे रोटी, जो हो गया उतना ही बहुत है। क्या क्या चाहिए, क्या चाहिए डबी? डुगू देखेगा ना मेरी भी खैर नहीं, और वो देखो आराम से ऊपर पे। डुगू मुझे लग रहा है ना यहाँ पीछे मिट्टी खा रहा होगा। ये गोली है, अरे गोली मच्छर खा रहे, मच्छर खा रहे अम्मू। डुगू अभी तक मिट्टी खा रहा है यहाँ पीछे, अभी इधर तो नहीं चला गया मिट्टी खाने के लिए। अब देखो दोस्तों मधुमक्खी ने अपना छत्ता बना रखा है, और यहाँ मेरी माता जी। हेलो मॉम। हेलो दोस्तों, प्रणाम, कैसे हो? हम सब बढ़िया है, और अभी शाम का टाइम है, गाय को इतने मच्छर खा रहे हैं, थोड़ा आग जला रही हूँ यहाँ पे, थोड़ा गो से जगा के ओपले जलाएंगे और मच्छर भगाएंगे, गाय को थोड़ा आराम मिलेगा। मम्मी के हर सेंटेंस में पूर्ण विराम, जो भी बोलते हैं जाएंगे और फिर वो करेंगे और खाएंगे, ऐसा लग रहा है स्क्रिप्टेड है, जैसे कि याद करी हुई होंगी लाइनें। तो अभी दोस्तों यहीं पर मम्मी पीछे गौशाला का काम भी कर रही है साथ ही साथ में, और अभी दोस्तों ये उपले ले जा रही हूँ मैं गाय के वहाँ पे धुआं लगाने के लिए, क्योंकि इनसे मच्छर भाग जाते हैं, कह सकते हैं कि इन्हें पहाड़ी मोर्टिन गोसे बोलते हैं हमारी भाषा में, तो पर आपकी भाषा में आपके लिए पहाड़ी मोर्टिन समझ लो इसे। अपने आप ही जल के अभी दोस्तों यहाँ पे देखो मम्मी ने एक बहुत ही प्यारा काम कर लिया, मम्मी खुद बताएगी। मम्मी बोलो, घास लेने हो, घास की स्वाल्टी लाने की दिक्कत हो रही थी मैंने यहाँ पे थोड़ा रास्ता बारीक था ना इधर आने के लिए, आप यहाँ पे मम्मी ने रास्ता ठीक कर लिया क्योंकि पूरी मिट्टी नीचे धसकी हुई थी, और ज़्यादा कुछ ठीक नहीं किया। अब जो भी होगा जैसा भी होगा वो आपस की बात है, और यहाँ पर देखो रास्ता बन चुका है हमारा। हेलो अम्मू, हेलो अम्मू बम्मू, हेलो अम्मू बम्मू, यार अम्मू क्या कर रही यार अम्मू की एक मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ के बारे में पता चला जो कि मुझे नहीं था पता। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे एलोवेरा हैं, वैसे तो इनके बहुत ज़्यादा यूजेस होते हैं, पर कल मुझे नहीं था पता और मैंने वो अप्लाई भी किया। मुझे मेरे मामा जी ने बोला कि मेरे हाथों में बहुत जलन हो रही थी, मतलब ऐसा लगता था जैसे कि जलन मतलब बहुत, दोनों हाथों में ऐसे लग रहा था जैसे आग जल रही होगी, तो कुछ भी समझ नहीं आया। मतलब शाम के 5 बजे से स्टार्ट हो गया था, रात के 8 7 8 बज गए थे, हाथ में जलन कम हो ही नहीं रही थी,
फिर मुझे मेरे मामा जी ने बोला कि एलोवेरा लगा हाथ पे और फिर ठीक हो जाएगा। और सीरियसली दोस्तों, मैंने एलोवेरा लगाया, कुछ टाइम तक हाथ पे रखा, सच में मेरे हाथ की जो गर्मी थी ना वो कम हो गई। तो एलोवेरा का ये यूज़ भी होता है। वैसे कहते हैं पेट की सारी बीमारियों को भी एलोवेरा ख़त्म करता है। और भी बहुत सारे नुस्खे होंगे जो कि आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे, मुझे पता है। तो ये कुछ था जो मैंने प्रैक्टिकली यूज़ किया। थैंक यू सो मच मामू। वे दो बंदे ने आराम से यहाँ ऊपर पे एक एक के सर के जुए देखा, वो आराम से लेटा हुआ है यार। सीरियसली कोई डर भेद नहीं है इन लोगों को मेरा, मैं भी तो हूँ, मुझसे डरो, क्यों नहीं डर रही है मुझसे। दोस्तों इन बंदरों ने हमारे पेड़ से निकाल दिया अमरूद और खाने लग गए हैं दोनों के दोनों। बड़े मजे हैं इनके। वाह 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 वाह। अभी उन बंदरों को भगाने की कोशिश की जा रही थी। छत के कोने में बैठ के अमरूद खा रहा और यहाँ एक पेड़ पे बैठकर ये देख सकते हो आप, ये दोनों ने आज तो आतंकी मचा रहे, बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं, इतना भगा दिया फिर भी। अभी दोस्तों रात का टाइम हो गया है और आजकल मेरी मम्मी दिन भर काम करके थक रही है और रात को मुझे बोल रही है खाना बनाने का, सुबह को मैं ही बनाती हूँ। बट अब करना तो पड़ेगा ही, थकान हर किसी को लगती है गाइस। दोस्तों मैं ना कल अपनी मम्मी के लिए कुछ गिफ्ट लाई थी, जो कल लाई थी, पर कल मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। मम्मी कह रही थी बार बार कि तूने ब्लॉग में क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि मम्मी खुश हो गई थी गिफ्ट को देख के। उस टाइम मैं ब्लॉग बनाने की बिल्कुल मूड में नहीं थी। मम्मी उस गिफ्ट से बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी थी और मम्मी चाहती है कि मम्मी आप सभी से भी शेयर करें उस गिफ्ट को। आज हम ये गिफ्ट लाई क्या लाई थी वो मम्मी आपको अभी दिखाती है। तो देखिए चिंता ना कर यार, क्या लाई थी मम्मी आपको अभी दिखाएगी। मेरी बेटी मेरे लिए कितनी स्वेटर ला के आई, मुझे स्वेटर पहनने की आदत है ना गर्मियों में। मम्मी कह ही रही थी कि मुझे स्वेटर चाहिए। फिर मैंने सोचा कल कि आई थॉट कि यार मम्मी के लिए कुछ ले जाऊं। हमारी स्वेटर चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो कभी नहीं छूटती हैं। आरती बोल रही थी गर्मियों में मम्मी इतनी मोटी स्वेटर क्यों पहन ली है। मैंने कहा यार हाफ स्वेटर लानी थी यार मेरे लिए। और मम्मी के लिए मैं कितनी स्वेटर लाई मम्मी बताएगी। वैसे मैं अपनी चॉइस से लाई हूँ सारी, एक एक मम्मी की चॉइस से लाई जो मुझे मम्मी को मतलब मेरी मम्मी को पसंद आता है, भले वो मुझे उतना पसंद नहीं आता पर मम्मी को पसंद आता है इसलिए एक कलर वो लाई हूँ। दिखा दो सभी को एक स्वेटर ऐसी है हाफ में ऐसी है और ये दो तो हाफ स्वेटर हो गई। मम्मी गर्मी में भी रहती थी मोटी स्वेटर पहनने पे लगी हुई, पर स्वेटर मोटी नहीं थी वो पतली है, पर वो पहाड़ी की महिला ने स्वेटर छोड़ती ही नहीं है यार, पता नहीं क्या। हमारे यहाँ कभी स्वेटर छोड़ती नहीं है चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। ये आपकी पसंद नहीं, मम्मी की पसंद है, बट मुझे लाना पड़ा क्योंकि मम्मी को ये कलर पसंद आता है इसलिए मैं ये लाई। मेरी पसंद तो और भी है, मैंने दिन में नहीं, पर ये अच्छी लग रही है मम्मी पहन के। तो मम्मी ने पहन के देखी भी नहीं है सारी, तो अच्छी लग रही थी। उधर की साइड दिखा ना, उधर यूट्यूब फैमिली को भी तो दिखाओ। ये लाई मेरे आरती मेरे लिए फुल बाजू वाली, मैंने एक मंगाई थी मेरी आरती चार स्वेटर लाई मेरे लिए। कलर देखो कितने प्यारे ला रखे हैं, ये मुझे पसंद आई थी पर्सनली इसलिए मैं लाई चार स्वेटर लाई। और काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि मम्मी के लिए फ़ोन गिफ्ट लाई थी, तो नहीं मम्मी के लिए कोई फ़ोन गिफ्ट नहीं लाई। मम्मी का फ़ोन अभी थोड़ा चल रहा है, जब तक उसकी सारी सांसें बंद नहीं जाती फ़ोन की। खर्चा क्यों करना, स्वेटर की तो ज़रूरत थी भाई, चार स्वेटर ला के आ गई है। फ़ोन जब तक चल रहा है ना, फ़ोन स्वेटर तो ये है कि अगले साल काम आएंगी, फुल वाली तो आएंगी पर हाफ वाली अब ज़्यादा। फ़ोन ऐसी चीज़ है ना कि काम आती है हमारे रेगुलर लाइफ में, बट अभी वो चल रहा है तो तब तक जब तक उसका पूरा मतलब ख़त्म ना हो जाए तब तक वही रखना, क्योंकि वैसे हम नया लाएंगे तो उसके भी उतनी वैल्यू नहीं रहेगी, फिर रखे फोन वैसे भी खराब हो जाते हैं। मेरे पास फ़ोन चलते भी नहीं है, वैसे रखती तो मैं पुराने फ़ोन हूँ अपने पास, पर बात करते करते काम करते करते करती हूँ बात, यहाँ कान पे बांधते हो कभी नीचे गिरते हैं और टूट जाते हैं। सबके लिए फ़ोन आते हैं वो पुराने होते हैं, मेरे पास आते हैं अब मैं तोड़ ताड़ के बराबर कर देती हूँ। पहाड़ में हर चीज़ का जब तक तो पूरा यूज़ नहीं है नई चीज़ नहीं आती, चाहे कपड़े हो चाहे कोई भी चीज़ हो। मेरी सब्जी देखो किचन में सीटी मार रही है। और मम्मी कैसे लगी आपको पूरी स्वेटर? स्वेटर बहुत अच्छी है, मम्मी तो खुश हो गई, मम्मी को बस पहनने की देरी हो रही है, अब कब पहनूंगी। स्वेटर तो बहुत सर्दियों के स्वेटर भी, तो पिछले साल कितनी स्वेटर लाई नहीं गई, तीन चार स्वेटर तो पिछले साल लाए। उस टाइम पे भी ना मैं मतलब जो ठंडियों के टाइम थी चार स्वेटर लाई थी,
चार स्वेटर वो भी मैंने ब्लॉग में दिखाई नहीं थी, वो मोटी वाली स्वेटर लाई थी। हाँ वो मोटी टाइप की, अब देखो कब सर्दी निकलेगी ना तब देखना। मैं मम्मी के लिए ज्यादा स्वेटर ही लाती हूँ क्योंकि यूजफुल चीजें काम भी आती हैं, इन्हें कटरा फटरा ज्यादा यूज भी नहीं होना। मुझे पता नहीं क्यों बोरत जैसी आ रही, नींद जैसी आ रही। क्यों आ रही नींद? रात और टाइम इतनी नींद नहीं हो। मम्मी फोन पे इतना स्वीट बनने की कोशिश करती है ना, सीरियसली स्वीट है नहीं। वैसे तेरे को अच्छा नहीं मानती? अच्छा मानना लगवा था जैसे स्वीट ब्लॉगिंग में बनती ना। एक कमेंट आया था, स्वेटर लाई है मेरे लिए तो बोलना। हाँ, अभी स्वीट मक्खन लगाई। एक कमेंट आया था मम्मी के लिए और पापा के लिए और दीदी के लिए। एक में आया था कि आपकी मम्मी सच में बहुत ही अच्छी हैं, और एक में आया था कि आपकी दीदी और आपके पापा सच में बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, तो उनका बहुत धन्यवाद। अभी दीदी और पापा को तो उतना कैमरा फेस करने की आदत पड़ी नहीं है ना, पर मम्मी को मैंने बहुत आदत डाल दी मेरे साथ रहते रहते, तो मम्मी को आदत भी पड़ गई है। तो यही कहना था मम्मी का, ये एक तो ये है कि सामने पे ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, मैं दिखावा नहीं करती हूँ। ऐसे में बच्चे बोलते हैं हाँ मेरी मम्मी कुछ नहीं बोलती है। बच्चों को प्यार करो पर दिखावा मत करो, बच्चे हाथ से निकल जाते हैं। यार आरती मेरे लिए तो लाए, तो अब पापा के लिए लाने तैयार कपड़े? यहाँ देखो ये ऐसे ही डिमांड करने पर लगते हैं यार, अपने लिए कपड़े लाते ही नहीं है। सीरियसली ना, एक की डिमांड पूरी नहीं होती दूसरी की डिमांड स्टार्ट हो जाती है। जब आज कमाने बैठो ना, मैं सोच रही थी मेरे बच्चे कैसे कपड़े पहनेंगे, अब बच्चे लाने वाले हो गए हैं तो अब ये सोचना है कि पापा क्या पहनेंगे मम्मी क्या पहनेगी। जब कमाने बैठो ना फिर पता चलता है कि पैसे की क्या वैल्यू होती है, ये मैंने पर्सनली फील कर लिया है। तो सब उसमें पैसा तो आता जाता है, पर थोड़ा घर वालों की खुशी के लिए भी कुछ काम करने पड़ते हैं। बोलते अब पापा की फरमाइश है, अब चाहे कुछ भी बोलो थोड़ा बहुत सामान घर के भी लाना पड़ता है, सारी चीज़ें होती हैं। धीरे धीरे अगर आप उस प्लेटफॉर्म में जाओ ना फिर पता चलता है कि हमारे पापा कितनी मेहनत करते हैं और हमारे पापा ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। मम्मी को बुरा लग जाएगा, मम्मी को बुरा लग जाएगा। एक मिनट सुनो, पापा अपने लिए कभी कपड़े नहीं लाते हैं। जैसे हम बोलते हैं हमें कुछ चाहिए तो पापा एक नहीं दो चीज़ ला देते हैं, लेकिन अपने लिए कभी नहीं लाते ना। तो मैं सोच रही हूँ कि यार जब पापा अपने लिए नहीं लाते तो खुद हम तो ला सकते हैं। वो चीज़ तो मैं अब सोचती हूँ ना, मेरे पापा ने किस तरह से हम पर कितनी मेहनत की है। कभी भी मैंने कोई भी डिमांड की होगी ना तो पापा ने बिना मना किए हुए मेरी वो डिमांड पूरी किया। भले मम्मी ने बहुत बार मना भी किया हो कहीं चीज़ों के लिए, पर मेरे पापा ने कभी नहीं किया है। अभी मैं पापा की तारीफ कर रही हूँ ना तो मम्मी को बुरा लगेगा। क्यों लगेगा? अच्छा लगेगा, पापा की साइड से अच्छा लगेगा, पर बोलेगी मेरे बारे में नहीं बोल रही आप भी अच्छे हो। नहीं यार ऐसी बात नहीं है, पापा ये है कि हो चाहे ना हो पर पापा बोलते हैं कि हाँ बच्चों के लिए लाना है। मैं सोचती हूँ यार थोड़ा महीने में ये देखो कि सब चीज़ का होना चाहिए, बैठना चाहिए कि हाँ इतने में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मैं सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, लाना तो मेरे मन में भी आता है कि मैं लाऊं, लेकिन ये सोचती हूँ कि इस महीने में इतना खर्चा हो गया तो अगले महीने लाएंगे, तो बजट के हिसाब से चलना पड़ता है ना। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं से रखते हैं, आई होप आप इंजॉय किए। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलूंगी जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और आरती की तरह खुश रहे, मुस्कुराते रहे। बाय बाय, सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। ठीक है।